सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको और प्रणाम करता हूँ निर्णायक मंडल में बैठे हैं जज साहिबान और डॉक्टर करण पुनिया जी हैं और वंदना पुनिया जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ, अलका मैम को प्रणाम करता हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ मिलकर ताली बजाएं आज के इस यूथ फेस्टिवल के लिए अपने लिए। सर प्रणाम। सर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हंसते हुए चेहरे मुझे भी अच्छे लगते हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, फिर पूछो उससे वो कब हंसे। नमस्कार, गाना तो पुराना है, नया जमाना है, नाना 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 ठंडे ठंडे पानी से नहाना, गाना आए या ना आए लेकिन बार बार गाना। जब भी मैं गाना गाती हूँ पहले खाना खाती हूँ। अंकल अंकल थोड़ी आवाज बढ़ा दो, खाना बहुत लजीज है, खो गए आप तो इसमें। हेलो चेक। अरे भाई गाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं अपने देश के लिए गाना गाता हूँ। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, कहीं नहीं देखा दूसरा हिंदुस्तान। ढोंग कभी रोंग नहीं होता। अरे भाई तालियां हो जाए। वाह रमाकांत वाह, परसों पहले भी तू काला था अब भी काला है। वैसे मैं भी पहले गंजा था अब भी गंजा हूं। हाँ नाना पाटेकर साहब की एक बहुत प्यारी सी पोएट्री मैं आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं, अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं कि तुम मेरे लिए कौन हो। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रोशनी तुम हर खुशी, तुम प्यार हो तुम प्रीत हो जीवन का संगीत हो। मेरे लिए हंसना भी तू, मेरे लिए रोना भी तू, जागना और सोना भी तू। जाऊं कहीं देखो कहीं तुम हो वहां तुम हो वही। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तख्ता हो तस्वीर हो तुम, तुम्ही बहारा हो तुम्ही सहारा हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। काफी सालों से देख रहा हूं कि केबीसी के अंदर बच्चन साहब बैठे होते हैं, मुझे भी लगता है कि मैं भी जाऊं, मुझे मौका मिलता तो मैं क्या करता, क्या करता देखिए क्या करता मैं। हाँ अब देखिए नाना पाटेकर साहब केबीसी में बैठ जाते तो कैसा धमाल होता। इत्तेफाक से एक लेडीज उनके सामने बैठी है, कैसे सवाल जवाब पूछते हैं नाना पाटेकर साहब। करोड़पति बनने आई है लालची औरत, करोड़पति बनने आई है लालची औरत, कहती है भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया है पैसा है दौलत है शोहरत है, फिर भी करोड़पति बनने आई है लालची औरत। आ बैठ मेरे सामने, जगह नहीं मिले तो मेरे सर पे बैठ जा, देख मुझे गौर से क्योंकि आज मैं नहा कर आया हूं। एक बार नहीं दो बार, हा एक तो पानी से दूसरा पसीने से है। बता बता मेरी उम्र कितनी है मेरा पहला सवाल, बता मेरी उम्र कितनी है मेरा पहला सवाल। ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल, बता मेरी उम्र कितनी है। 40, 45, 50, 55 जल्दी बता, बता मेरी उम्र कितनी है। हा बता। और वो लेडीज घबरा जाती है, डर जाती है, शर्मा जाती है और कहती है मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहती हूँ। हाँ तो नाना पाटेकर साहब भड़क जाते हैं, फोन रखते रखते फोन, अपने पापा को फोन मिलाएगी, अपने भैया को फोन मिलाएगी, अपने परिवार वालों को फोन मिलाएगी, उनसे पूछेगी उनसे क्या मिलेगा है। जब भगवान ने दिमाग नहीं दिया तो यहाँ पर आई है, क्यों मेकअप दिखाती है दांत दिखाती है। बता मेरी उम्र कितनी है जल्दी बता, बता मेरी उम्र कितनी है। वो लेडीज कहती है आपकी उम्र ए 40 साल। नाना पाटेकर साहब खुश हो जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब, कैसे बताया बता कैसे बताया। अब वो लेडीज कहती है मेरा एक छोटा भाई है वो 20 साल का है, वो आधा पागल है। दोस्तों हम हरियाणा से, हरियाणी बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। हरियाणा के ताऊ बड़े कमाल के हैं। रोहतक बस स्टैंड की बात है, बस स्टैंड पर ताऊजी खड़े थे, वहीं एक कॉलेज की लड़की आई, लड़की ने ताऊजी से पूछा ताऊजी क्या टाइम हो गया बताना प्लीज।
तो ताऊ जी बोले, बेटी 12 बज गए। लड़की ने फिर पूछा, ताऊ जी क्या टाइम हो गया बताना प्लीज। ताऊ जी फिर बोले, बेटी 12 बज गए। तीसरी बार लड़की ने फिर पूछा, ताऊ जी क्या टाइम हो गया बताना प्लीज। ताऊ जी फिर बोले, बेटी 12 बज गए। लड़की गुस्से में आ गई, बोली ताऊ जी आप बड़े बदतमीज हैं, मैंने 3 बार टाइम पूछा है और आपने एक ही जवाब दिया, 12 बज के मतलब क्या है? मेरा अंदाजा है आधा एक घंटा हो गया। तो ताऊ जी बोले, बेटी यह मर्दा की जुबान है, फिर कोन्या। भाई हरियाणा के ताऊ कमाल है, ताई कमाल है, बच्चों की दादी कमाल है। एक प्यारा सा बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा है, उसकी दादी कहती है, अरे बेटा चुप हो जा रहा है, अरे ले टॉफी खा ले, चॉकलेट खा ले, क्या कर रहा है। लेकिन बच्चा लगातार रो रहा है। बुढ़िया परेशान होकर उस बच्चे को हाईवे पर ले जाती है, जो अभी अभी बना ना बस स्टैंड से आगे, उस पर। तो बुढ़िया एक बाइक को रोकती है, बाइक रुकनी रुकती नहीं है। उसके बाद एक और बाइक आती है, निकल गई, बुढ़िया देखती रह गई। तीसरी बाइक आती है, वो भी गुजर गई। आखिरी में प्राइवेट बस आती है, बस बिना कहीं रुक जाती है, कटारा सी बस थी, कभी चलती कभी रुकती, धीरे धीरे बस बुढ़िया के करीब आती है, बस रुक जाती है। बस के अंदर से कंडक्टर बाहर निकलता और कहता है, हाँ ताई कित जाना से, अच्छा बैठ जा। तो बुढ़िया कहती है, अरे बेटा अरे जाना तो कितने भी कोनी, एक बार ये पोपो बजा दे, बालक राजी हो जाएगा। और चलता चलता क्या बात, सर का दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों बात करते मुगले आजम मूवी की। बेटे सलीम, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने एक नाचने गाने वाले के साथ मोहब्बत प्यार किया है। बेटे सलीम, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुमने एक नाचने गाने वाली के साथ मोहब्बत और प्यार किया है। तो दिलीप कुमार साहब होते हैं, आपने देखा मुगले आजम में, ए भाई कबाल हो गए, अबे हुजूर मेरी मोहब्बत मेरा दिल कोई आपकी हुकूमत नहीं है, अबे हुजूर बहते हुए झरने को रोक सकते हो तो मेरी मोहब्बत को रोकने का पूरा हक है, ऐसा कर सकते हो तो बोलो। ये तो अच्छा था, लेकिन अगर धर्मबाजी होते मुगले आजम और जगदीप होते सलीम तो कैसा धमाल होता। देखिए बेटे सलीम, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने एक नाचने गाने वाली के साथ मोहब्बत की है, कुत्ते कमीने। अरे कुत्ता कमीना मत बोलो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ सलीम। सलीम ये बता, तूने मोहब्बत क्यों की, तूने प्यार क्यों किया, तुझे अनारकली चाहिए या फिर मेरी सल्तनत चाहिए, एक बाप चाहिए या कुत्ते चाहिए। अरे मुझे तो अनारकली भी चाहिए, मुझे मेरा बाप भी चाहिए, ये जायदाद भी चाहिए और साथ में 10-12 कुत्ते भी चाहिए। अगर प्रेस रावल होते मुगले आजम के राजा शहनशाह और शक्ति कपूर सलीम होते तो कैसे धमाल होता। देखी ये क्या सुन रहा हूं रे बड्डी करे, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, एक नाचने खाने वाली के साथ मोहब्बत किया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं रे, मैं तो भाग जा, तेरे को कांदी बोली नहीं दूंगा, तेरे को बोरी बोली नहीं दूंगा, मैं तेरे को धक्के दूंगा धक्के, मेरी ज्यादा से ज्यादा फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आओ बाबा पापा, आओ मेरा नाम शक्ति है, अनार कलती है मेरी भक्ति है, धक्क चिक बा, तन्ने के मन्ने के पन्ने है, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका दुलारा हूँ, आ ललिता। और देखिए जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, अजय देवगन साहब देखिए, मेरे जमीन में मैदम मेरी जरूरत है काम,
इसलिए मेरा नाम है बाजीराव सिंघम। आता बाजे सड़क ले। जितने भी कलाकार हैं सब कलाकार के कुत्ते अगर उन्हीं की तरफ भौंकने लग जाए तो कैसा धमाल होगा। अब देखिए सबसे पहले आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा का कुत्ता। देखिए साथ में कुत्ता भी है और वो भी है। अबे खामोश, हाँ 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 खामोश, कुत्ता रिप्लाई करता। देखिए धर्म पाजिया कुत्ता। देखिए शक्ति कपूर साहब का कुत्ता। सुनील शेट्टी साहब। मैं अपने कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक ही प्लेट में खाते हैं हम दोनों मिलकर, क्योंकि एक साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है ना। अब कुत्ता देखिए। सैफ अली खान साहब। वेल कम ऑन करीना, अरे इस रेस का मैं सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ, ये रेस तो मैं जीतूंगा यार। वेल कम ऑन बेबो, अरे कमाल की बात है यार, मेरा कुत्ता मेरे साथ बोलेगा। बोलो वेल 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 वेल। अमरीश पुरी साहब का कुत्ता। रात के 12 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है, उससे पहले वो सोता है, आराम करता है, खाता पीता है। रात के 12 बजते वो रुक नहीं पाता, कैसे? सनी पाजी। बाजी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ बाजी, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन साथ में मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, वो मेरा ये टॉमी है। आ मेरे टॉमी, तुझे क्या चाहिए? आजकल टॉमी बिस्कुट नहीं खाता, क्या खाता होगा सोचो, इसे भी पिज्जा अच्छा लगता है ना। अब सनी पाजिया कुत्ता कैसे बोलेगा देखिए। वाओ 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 वाओ। तो लीजिए इसी बीच अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे कलाकार को जो ना बॉलीवुड से है ना किसी नेता की आवाज है, बस ये आवाज है एक ऐसे इंसान की जिसे आप सुनते ही पहचान लोगे। अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। आत्मा परमात्मा कोने कोने सड़क जाना चाहता है बच्चा, हाथ ऊपर करो मेरे साथ साथ बोलो हरिओम। बच्चा गाय हमारी माता होती है और बैल हमारा बाप। लगता है कि इतना ही समय ठीक रहेगा, ज्यादा मैं अगर सुनाऊंगा तो ठीक नहीं है। अंतिम आवाज आप सभी के बीच, उसके बाद मैं किसी और कलाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच पर। अंतिम आवाज दोस्तों, एक ऐसी आवाज सुनाने वाला, इस आवाज पर अगर आपने ताली नहीं बजाई तो आपको अपने गर्लफ्रेंड की कसम। मित्रा मेरे भाई और बहना, कसम मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आज ये कॉलेज इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, क्या आप इसे हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं? मेरे भाई और बहनों, अगर देखना चाहते हैं तो ताली बजा दीजिए, इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। मित्रों मिमिक्री कॉमेडी तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई और बहनों मैसेज होना बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, आपके माँ बाप ने आपको महंगी महंगी बाइक दी होगी, गाड़ियाँ दी होगी, मोबाइल दिए होंगे, तो उनका सही सही इस्तेमाल करना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। टोपी लगा के
बड़ा मस्त लग रहा है, लेकिन छुप के बोल रहा है अगर हिम्मत है तो यहाँ के बोल, जब मानूंगा अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ जा ना मेरे साथ आ, फिर देखते हैं कितना दम है तेरे अंदर। छुप कर बोल रहा है उस दिल होते हैं वो लोग जो पीछे से बोलते हैं, शेर वही होता है जो सामने आता है। समझा कि नहीं? हाँ समझा। रामदेव महाराज ने पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाया है योगा करा के। बहुत अच्छी बात है, आपको भी योगा करना चाहिए, मैं भी करता हूं उनको देखकर कभी कभी मौका लगता है। तो कैसे योगा कराते हैं रामदेव महाराज देखिए, हंसाते भी हैं गुदगुदाते भी हैं और देश प्रेम की भावना उनके अंदर पूरी भरी हुई है। कैसे करने से होगा पता की करो, ऐसे से करो, इससे दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हें योगा आ जाएगा और दूसरा फायदा ये है कि तुम्हें है ना धर्म पाजी की तरह डांस आ जाएगा। मुझे टीम वाला पगला दीवाना करने से होगा, करते रहो। कल शुर में को बहन जी बोली बाबा एक ही दिन में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। मैं बोला बहन जी झूठ बोलती है, एक दिन में 5 किलो वजन कैसे कम हो गया? बोली बाबा कल ही मेरी डिलीवरी हो गई है। करते रहो कपाल भाती करने से होगा। एक बहन जी हो रही बोली बाबा आपने एक योगा बताया था नाखून से नाखून मिला के योगा, बोला दिक्कत क्या है? बोली बाबा नाखून से नाखून मिला के योगा करने से है ना मेरे बाल बहुत लंबे लंबे हो गए, बाल काले भी हो गए, बाल घने भी हो गए। बोला दिक्कत क्या है? बोली बाबा ये बहुत ज्यादा कर लिए, मेरी मुच्छे भी आ गई। तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ बाबा रामदेव महाराज की, और उनके शिविर मैंने भी अटेंड किए हैं, उनको देख कर ही कुछ सीखा है। आपको भी योगा करना चाहिए और देश प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। एक देशभक्ति डायलॉग मैं साझा कर रहा हूँ, होना चाहिए ऐसा डायलॉग, शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ा हो, सुखदेव राजगुरु से जुड़ा हुआ हो, तो सुनिएगा। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है शेर की नहीं, और साडे कोल गांधी भी है, साडे कोल पटेल भी, और कभी कभी हम भगत सिंह भी बन जाते हैं। सरदार जब दुश्मन की गर्दन पकड़ लेता है ना तो हड्डियां तड़तड़ाने लग जाती है, तड़ 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 सरदार तो शहीद आजम भगत सिंह था जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा तोहफा दिया आजादी का। अगर आप लोग शहीद आजम भगत सिंह से प्यार करते हैं तो उनके लिए ताली जरूर बजाएं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भरी जवानी में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और आजादी को अपनी महबूबा बनाया, उसी से प्यार किया। ऐसी भावना दिल में लेकर आओ। स्मार्ट बॉय, कूल डाउन बेटे, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। रॉबर्ट, वाह बेटा साई, मान गए तेरी बात को तो, सारा जग ढूंढा लेकिन नहीं मिला मुझे जगीरा, मिल गया मुझे कबीरा। अबर खुदा रे बेटे, आ गए हैं वो जो अभी संभालेंगे मंच, हमारे गुरुजी एवी शर्मा जी। तालियां दिल दिल खोल कर तालियां हो जाए। क्या बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, अब चाय पी कर आ गए भाई, दिल खोल कर तालियां हो जाए। मिस्टर एवी शर्मा जी।